मध्य प्रदेश में चुनाव का शंखनाद हो गया है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों दलों ने अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। हमारे साथ में हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग के। चुनाव का शंखनाद हो गया है, लिस्ट भी आ गई है कांग्रेस की, क्या माहौल है मध्य प्रदेश में? कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है, 150 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, और जो एक कुशासन भरी सरकार है, लूट और भ्रष्टाचार की जो सरकार है, जिसने जो है सारे भ्रष्टाचार के कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं, ये 50% की सरकार को जनता जो है जमीन दिखा देगी। वचन पत्र भी आ गया है कांग्रेस का, 101 गारंटी है, हर वर्ग को साधा गया है, महिला, युवा, आदिवासी, तमाम लोग हैं। क्या जनता के दिल में बैठेगा ये वचन पत्र? जनता के दिल में पहले ही बैठ चुका है। हमने 1500 रुपए जो है बहनों को जब नारी सम्मान में देने की घोषणा की, तो मामा को नकल करनी पड़ी, 1000 से तत्काल 1250 पे पहुंचे, और अब 1500 कर रहे हो, कह रहे हैं कि 3000 भी देंगे। ये क्यों करना पड़ा? ये कांग्रेस से डर के करना पड़ा। हमने जब 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की, तो मामा जो है आए जमीन पे और कहा हम भी देंगे। हमने जब 500 रुपए का सिलेंडर गैस का देने का जो है वादा किया, तो मामा जी गिर पड़े, 450 में देने लगे। तो ये 450 में 10 साल से 18 साल से क्यों नहीं दे रहे थे? क्यों लूट रहे थे आप जनता को? आज 1200 रुपए का सिलेंडर आप दे के मुनाफाखोरी कर रही है सरकार, और अब कांग्रेस ने घोषणा की तो तत्काल गिर पड़े, 450 में दे देंगे। ये कहां से लाए 450 का फिगर? ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत खोटी है। ये जो है हमेशा खोटी चोनी चलाने के चक्कर में रहते हैं, और ये खोटी चोनी है वो एक्सपोज हो गई है। जनता को समझ में आ गया कि जो है भारतीय जनता पार्टी के वादे धोखा है। मामा ने कहा था कि हम महिलाओं को कितने वादे किए, 2018 के वादे गिनाता हूँ। मामा ने कहा था कि हम हर हर बच्ची को जो है स्कूल में स्कूटी देंगे, दी क्या? मामा ने कहा था हर स्कूल हर कॉलेज में हम जो है सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाएंगे, कहीं लगाई क्या? मामा ने कहा था हम 20 लाख महिलाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग देंगे, दक्षता देंगे, और उनको नौकरी देंगे। किसी महिला को उनने ट्रेंड किया हो तो आप बता दीजिए, 20 लाख महिलाओं को दक्ष करने की बात की थी। मामा ने कहा था कि जो महिलाओं को हमने उज्ज्वला कनेक्शन दिया, उनको हम कौशल विकास की ट्रेनिंग देंगे और उनको घर पर रोजगार से जोड़ेंगे। किसी एक महिला को भी जोड़ा हो तो मामा बता दें। ये तो झूठ का पूरा यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर हमारे मामा जी हैं, और उसके जो है डीन है बीडी शर्मा जी। तो ये तो ऐसे यूनिवर्सिटी चल रहा है। कांग्रेस का वचन पत्र आया, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि ये झूठ पत्र है, महाझूठ पत्र है। अब झूठे लोग जो है किसी की सच्चाई को क्या कहेंगे? सच्चा तो बोल नहीं सकते। सच्चा बोलेंगे तो अगर वो हरीश चंद्र जी हैं, मैं तो मान लेता हूं कि हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हरीश चंद्र जी हैं, तो हरीश चंद्र जी हैं तो अभी मैंने 6 चीजें आपको गिनाई हैं, और गिना देता हूं, बता दें वो उनने क्या किया इसका। मामा जी ने 2008 में कहा था कि किसानों का 50,000 कर्जा माफ करेंगे, आज 2023 है, 15 साल में अगर उनको ये वचन याद आया हो तो बता दें। झूठ पत्र किसका था? मामा का था। मामा ने कहा था कि हम जो है कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए एक विश्वविद्यालय बनाएंगे, आपको कहीं दिखाई पड़े मध्य प्रदेश में तो हमें उसकी तस्वीर दे दीजिए। कौन था झूठा? मामा झूठा था ना। इन्होंने कहा था कि हम जो है टूरिज्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कहीं मध्य प्रदेश में टूरिज्म यूनिवर्सिटी बनी हो तो बता दीजिए। तो ये तो पुराने उनके वादे याद दिला रहा हूं मैं, तो बता दो आप। तो झूठ पत्र किसने जारी किया था? मामा ने जारी किया था, हमने थोड़ी करा। हमने तो जो है 365 वादे पूरे किए 900 में से। हमारी सरकार 15 महीने में गिरा दी गई धनबल से और जो है माफिया के पैसे से, कोई बात नहीं। भूपेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी की जो रैलियां हो रही हैं उसमें काफी संख्या में भीड़ आ रही है, बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, आपको लगता है ये भीड़ वोट में परिवर्तित होगी? आक्रोश है जनता का जी। और जनता जो है वोट डालेगी, क्यों नहीं डालेगी? आपने जिन्हें सताया है, जिन्हें आपने जानवरों के खाने वाला चावल दिया है, जिन्हें आपने जो है बिस्तर बेचे हैं कोविड जैसी महामारी के बीच में, जिनकी दवाइयां लूट के चोरी करवाई गई हैं, रेमडेसिविर नहीं दिए, लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले, पिघल गई शमशानों की लोहे की सरिये, इतनी लाशें जलाई गई, इतनी लाशों को जलाया गया, तो आखिर वो लोग कहां जाएंगे? उनकी पीड़ा, उनका दर्द क्या इस सरकार ने साझा किया? वोट पर क्यों नहीं कन्वर्ट होगा? वोट क्या जो है लोग मशीनों में जो है पूरा खुद ही घुस जाएंगे, उनकी इतनी भावनाएं इस सरकार के खिलाफ।
कई बड़े नेताओं को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे दिया है, चाहे वो प्रहलाद पटेल हों, तोमर हों, कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिला है। मजबूरी बन गई क्या भाजपा की? जब गाड़ी बिगड़ जाती है तो उसका टोचन करना पड़ता है, पीछे से कोई गाड़ी धक्का देती है उसको। आप लोगों की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो पीछे से कहते हो कि किसी से यार पैर लगा के गाड़ी को धक्का पेट्रोल पंप तक ले चलो। तो मामा की गाड़ी तो इतनी बिगड़ी हुई है कि उसमें पांच पांच नए इंजन लगाने पड़ रहे हैं। दो इंजन पहले से लगे थे, एक दिल्ली का इंजन एक भोपाल का इंजन, दोनों इंजन बोगस निकल गए, इसलिए तो नए पांच इंजन ट्रेन में लगाए गए। अब ये भी कहां तक घसटेगी ट्रेन कुछ पक्का नहीं है, जरा सी चढ़ाएंगे चढ़ पाएंगे। भूपेंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि कई सारे बीजेपी के नेता पार्टी छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में द्वंद्व की स्थिति यह बन रही है कि क्या उन लोगों को भी टिकट मिलेगा, और अगर बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस टिकट दे देगी तो पार्टी का मूल कार्यकर्ता असमंजस में है कि वो क्या करेगा। हमारे मूल कार्यकर्ता की सहमति के बाद ही उनको टिकट दिया जाएगा, ये स्पष्ट नीति हमारी पार्टी की है। जब हमारा जो मूल कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर उनके उनको स्वीकार करने तैयार होगा तो उन्हें टिकट दी जाएगी। बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिल पाई है अभी, और टिकट हम निश्चित रूप से उन्हें देंगे। जब हमारे स्थानीय नेतृत्व को कार्यकर्ताओं को वो सहमत कर लेंगे तो टिकट भी दे सकते हैं, उसमें क्या बुराई है। कई सारे सर्वे आए, अलग अलग सर्वे में कांग्रेस को एज दिखाई जा रही है कि कांग्रेस आगे है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बुरी तरह से बीजेपी पिछड़ रही है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी आक्रोश है जनता का? देखिए, ये तो जो है हर जगह स्थानीय स्तर पर मध्य प्रदेश की जनता ने महसूस किया है कि जिन्होंने जो है जनता के जनमत से गद्दारी की थी, उन्होंने कांग्रेस से थोड़ी गद्दारी की थी, उन्होंने पब्लिक की वोट से गद्दारी की थी। जब वोट देकर जनता ने सरकार बनाई थी और उस वोट दी हुई सरकार को गिराने का काम जिन्होंने किया, तो उनने कांग्रेस से थोड़ी गद्दारी की, उनने गद्दारी की जनता से, जनता के जनमत से, और जनता उसका जवाब देगी। भूपेंद्र जी, आखिरी सवाल, की प्रत्याशियों की सूची भी आ गई है, जोर शोर से प्रचार हो रहा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आ गए हैं, कमलनाथ जी भी निकल रहे हैं क्षेत्र में, कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है इस बार? हम 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, कमलनाथ जी की मजबूत सरकार बनेगी जिसमें न माफिया का धन हमारी सरकार गिरा पाएगा, न लोभ लालच, न मंत्री पद का प्रलोभन, जो सरकार चलेगी और हम जो है पूरे 1290 वादे पूरे करेंगे 5 साल में। तो ये जुड़े थे हमारे साथ में भूपेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने साफ कह दिया है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है और बीजेपी को जोर का झटका लगने वाला है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं दीप खान सहयोगी सपना के साथ, दखल न्यूज भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।